हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज हम करेंगे डिलीशन फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। सो हमने किया था लास्ट कि अगर आपको एक डेटा फ्रेम में न्यू रो या न्यू कॉलम ऐड करना है तो आप कैसे कर सकते हो। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू हाउ कैन यू डिलीट। सो हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक। एंड इससे पहला टॉपिक हमारा जो था, जैसे कि मैंने आपको बताया, दैट वॉज इंसर्शन। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू डिलीशन। हम अभी चैप्टर टू पे है, विच इज डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास वन, राइट। सो अभी जो टॉपिक है आपका वो है हाउ कैन यू डिलीट अ रो और अ कॉलम फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। मेरे पास डेटा फ्रेम एग्जिस्ट करता है, मुझे उसमें से किसी सिलेक्टेड रो या किसी सिलेक्टेड कॉलम को डिलीट करना है, तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए आपके पास एक मेथड है जिसका नाम है ड्रॉप। जी हाँ, सो ड्रॉप मेथड की हेल्प से मैं रो या कॉलम को डिलीट कर सकती हूँ। बाय डिफॉल्ट ड्रॉप मेथड रो को डिलीट करने के काम आता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सेस जो है वो जीरो होती है। हम यहाँ पर एक्सेस पैरामीटर को वन सेट कर सकते हैं अगर हम कॉलम डिलीट करना चाहते हैं। सो अगर आपकी एक्सेस जीरो है तो वो रो को डिलीट करेगा, अगर एक्सेस वन है तो वो कॉलम को डिलीट करेगा। बाय डिफॉल्ट एक्सेस जीरो होती है, तो अगर आपको रो डिलीट करना है तो आपको एक्सेस पैरामीटर लिखने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो आपको एक्सेस इज इक्वल टू वन लिखना पड़ेगा। लेट्स चेक आउट द एग्जांपल। ये डेटा फ्रेम हमारे पास है जिसमें पांच स्टूडेंट्स के चार सब्जेक्ट के मार्क्स है, राइट। अब इसमें से वो साइंस सब्जेक्ट जो है उस रो को डिलीट करना चाहते हैं, तो आपने क्या लिखा? डेटा फ्रेम का नाम डॉट ड्रॉप। सो डेटा फ्रेम का नाम है रिजल्ट df डॉट ड्रॉप। रो का लेबल क्या है? साइंस। सो इंडेक्स ऑफ द रो इज साइंस, तो हमने वो दे दिया। अगर मैं यहाँ पर एक्सेस इज इक्वल टू जीरो नहीं भी लिखती तो भी ये कमांड सेम तरीके से ही काम करेगी। अब यहाँ पर आप दूसरी चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पर मैंने लिखा है रिजल्ट डी एफ इज इक्वल टू रिजल्ट डी एफ डॉट ड्रॉप, क्योंकि ये जो ड्रॉप फंक्शन है ये डिलीशन के बाद रिमेनिंग डेटा फ्रेम को रिटर्न करता है। तो इसको वापस असाइन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके चेंजेस आपको नहीं दिखाई देंगे जब आप उसे प्रिंट कराओगे। भी हमने असाइन कराया है फिर प्रिंट किया, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपके पास जो साइंस है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल इंडेक्स डिलीट करने हैं तो आप उसे एज अ लिस्ट दे सकते हो, जैसे कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब ये हम मल्टीपल डिलीट तो कर रहे हैं लेकिन हम मल्टीपल कॉलम्स डिलीट कर रहे हैं। हमें समृद्धि, रमित और रिया को डिलीट करना है, तो हमने क्या लिखा? रिजल्ट डी एफ डॉट ड्रॉप समृद्धि कॉमा रमित कॉमा रिया इन अ लिस्ट, ठीक है। जब एक से ज्यादा लेबल होंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे क्योंकि वो एक लिस्ट है। एंड एक्सेस आपने दे दिया वन, सो एक्सेस इज इक्वल टू वन, उसका मतलब है कि हम रो डिलीट नहीं कर रहे, हम कॉलम्स डिलीट कर रहे हैं। सो इट विल डिलीट द थ्री कॉलम्स और आपके पास बस ये डेटा बच जाएगा, ठीक है। तो आप रो डिलीट करोगे तो एक्सेस जीरो होगा, कॉलम डिलीट करोगे तो एक्सेस वन होगा, और असाइन करना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि असाइन ना करो, उसी में ही चेंजेस हो जाए, तो हमारे पास एक और पैरामीटर है जिसका नाम है इन प्लेस। तो आप इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखोगे तो वो उसी में ही चेंजेस कर देता है, ठीक है। नाउ टू रिमूव द डुप्लीकेट रोज लेबल्ड हिंदी वी नीड टू राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके दैट विल डिलीट। सो दिस इज डिलीशन ओनली। सो इसके बाद हमारे पास है रीनेमिंग द रो लेबल्स एंड ऑल। सो एज पर एनसीईआरटी आपको डिलीशन के लिए सिर्फ एक ही मेथड बताया गया है जो है ड्रॉप, ठीक है। इसमें इन्होंने आपको इन प्लेस भी नहीं बताया, पर जो डिटेल्ड प्लेलिस्ट है चैनल पे जिसमें आपको मैंने कंप्लीट एक एक ऑप्शन कराई हुई है। एनसीईआरटी कवर करना चाहिए पर ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है, कुछ चीजें हैं जो एनसीईआरटी में मिसिंग है, बट यू मस्ट डू फॉर योर एग्जाम्स, राइट। जैसे कि इसमें डिलीशन सिर्फ ड्रॉप से बताया है, इसमें इन प्लेस का सिग्निफिकेंस भी नहीं बताया। तो रो डिलीट करने का तो एक ही तरीका होता है, वो है ड्रॉप। सो ड्रॉप के थ्रू ही आप रो डिलीट कर सकते हो और कोई मेथड नहीं है। लेकिन कॉलम को डिलीट करने के हमारे पास दो और तरीके हैं, सो टोटल थ्री मेथड्स आ गए। एक ड्रॉप की हेल्प से कर सकते हैं। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखने से क्या होता है कि हमारे डेटा फ्रेम में ही चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। दूसरी दो ऑप्शंस हैं पॉप एंड डेल। अगर मुझे डेटा फ्रेम में से किसी कॉलम को डिलीट करना है तो मैं डेटा फ्रेम का नाम डॉट पॉप और ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम दे सकती हूँ जो कॉलम मैं डिलीट करना चाहती हूँ, या फिर मैं लिख सकती हूँ डेल डेटा फ्रेम का नाम एंड स्क्वायर ब्रैकेट में कोट्स के अंदर उस कॉलम का नाम जो कॉलम आप डिलीट करना चाहते हो। सो पॉप and del can also be used for the same thing. So if you want to see, I can show you कि ये किस तरह से काम करते हैं, but इसकी detailed videos भी हैं आपकी detailed playlist में, so you can go and watch that, or I can just show you here
किस तरह से हम डिलीट भी कर सकते हैं। सो ये डेटा फ्रेम है जो हमने पिछली क्लास में यूज किया था, और इसमें से अब आप चाहते हो कि लेट से फिजिक्स के मार्क्स डिलीट हो जाएं, तो आप क्या लिखोगे, df डॉट ड्रॉप, ड्रॉप में आपने क्या लिखा, फिजिक्स, और आपने x इज इक्वल टू 1 दे दिया क्योंकि आप कॉलम डिलीट कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर df को प्रिंट करा रहे हो। मैं इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ। सो इफ यू विल सी द रिजल्ट, आपके पास जो पहले डेटा था अभी भी वही प्रिंट हो रहा है, चेंज तो हुआ ही नहीं, फिजिक्स तो डिलीट ही नहीं हुआ। आप कहोगे मैम डिलीट तो हुआ ही नहीं, तो डिलीट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो अपने आप से चेंजेस नहीं करता है, आपको असाइन करना पड़ेगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा df इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप। सो जब मैं ये इक्वल टू लिखूंगी तो आप देखेंगे कि अब जो सेकेंड रिजल्ट आया है उसमें फिजिक्स के मार्क्स नहीं है, सो दैट इज डिलीटेड, ठीक है। सो एक ऑप्शन ये होती है कि या तो असाइन कर लो, और अगर आप असाइन नहीं करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लाइक दिस कॉमा, इन प्लेस पूरे स्मॉल लेटर्स में है और ट्रू। नाउ वी एग्जीक्यूट दिस, सो यू कैन सी वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। तो इन प्लेस इज इक्वल ट्रू से भी आपके पास सेम रिजल्ट आता है। बाकी रिलेशन के लिए आप पॉप या फिर डेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, आई शो यू दैट ऑल्सो। अब मैं इस ड्रॉप की जगह पर अगर पॉप कर दूं, पॉप के केस में मुझे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आई जस्ट नीड टू गिव द कॉलम नेम एंड आई एग्जीक्यूट, सेम रिजल्ट आएगा, इट्स डिलीटेड, फिजिक्स इज गॉन, ठीक है। सिमिलर वे आप यहाँ पर डेल भी लिख सकते हो, सो यू कैन राइट हियर डेल, डेल आपकी कमांड है तो उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट देने हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे। सो वी हैव टू गिव स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसको मैंने रन किया and I'm getting the same result. So row delete सिर्फ drop से होती है, जबकि column drop से भी delete हो सकता है, pop से भी और del से भी. So that is about deleting a row or a column from a data frame. अगर आपको ये series useful लग रही है, समझ आ रहा है, तो like पे जरूर click कीजिए and share this video and subscribe the channel if you haven't subscribed yet. Bye for now. I'll see you in the next.